जय माँ अम्बे। भक्तों, नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में हमें आस्था और भक्ति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें व्रत के दौरान जरूर खाना चाहिए। इन्हीं में से एक है कच्चा केला। आज मैं कच्चे केले से इसकी एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक टिक्की बनाऊंगी, जिसे खाने से पूरे दिन शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी और ना ही भूख लगेगी। इसके लिए मैंने आधा किलो कच्चा केला लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके उबाल लिया है। उबालने के बाद इसके सारे छिलके हम उतार लेंगे और जब ये गर्म रहेगा तभी हम इसे ग्रेटर से या मैशर से इसे मैश कर लेंगे, या इसे फोर्क से भी गरम में ही मैश करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाता है। केले को गरम में ही मैश करने से ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं और जो हम इसके अंदर मसाले डालते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। हमने अच्छे तरीके से केले को मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए पहले मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है, जिसे मैंने रोस्ट करके छिलके हटा दिए हैं। इसको मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। अब इस केले के मिश्रण में हम डालेंगे अदरक, स्वाद अनुसार हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, 2 टेबलस्पून सफेद तिल, 1 टेबलस्पून देसी घी और दरदरा पिसा हुआ मूंगफली इसके अंदर डालकर हम मिक्स कर देंगे। तिल के अंदर मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो कि शरीर की मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम व्रत में होते हैं तो हमारे शरीर में इन सब की कमी होती है। तिल खाने से हमारे शरीर को मजबूती मिलती है और हमारा जो व्रत है वो भी बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है। अच्छे से हाथों से मैश करते हुए अब हम इस मिश्रण का एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। फिर इसे अपनी मन पसंद शेप में इसकी हम टिक्की बना लेंगे। आप इसे बड़ों की शेप में भी बना सकते हैं, जैसे दही बड़े होते हैं उस शेप में। हम इन टिक्कियों को रोस्ट करके बनाएंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि डीप फ्राई करने से बार बार प्यास लगती है। हम इसे तवे पर हल्का सा सैलो फ्राई करके ही कम तेल में बनाएंगे। हमने सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में हमने घी गरम किया है। जब घी मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे इन टिक्कियों को और सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप मेरी सेम इसी रेसिपी से आलू, साबूदाना और शकरकंद की रेसिपी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी टिक्की जो है, देखिए, एक तरफ से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे और थोड़ा सा घी डालकर दूसरे तरफ से भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। अगर घी की कमी महसूस हो रही हो, आवश्यकता हो, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं और इसे कुरकुरा होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी केले की टिक्की बनकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पर जाकर पिक्कल चिक्कल बाय अक्षरा रति को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।